अशरफ भाई कहाँ है? अशरफ भाई नहीं, हाँ जो भी है अशरफ, वो तो अपने कमरे में भी नहीं है। पता नहीं, अब्बा भी पूछ रहे थे, खुदा जाने कौन सा काम याद आ गया इस वक्त। कब आएंगे वो? जब निकाह हो रहा होगा तब। परेशान मत हो, मैं रहूं यहाँ पे। तुम्हें तैयारी करनी चाहिए, ठीक है? मैं कपड़े भिजवाती हूँ तुम्हारे। पता है, मुझे अशरफ भाई कभी अच्छे नहीं लगे, लेकिन उनके निकाह की बहुत खुशी है। शायद इफ्रा की वजह से। अब्बा के इस फैसले से एक अजीब सा सुकून मिला है, जैसे सब कुछ ठीक हो गया हो। जैसे कि हमारा साथ। अब तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो ना? नहीं, खुश हूं। तुम्हारे साथ किसी ताल्लुक पे कभी खुश नहीं रह सकती। इस दिल में आज भी सिर्फ हमाद की मोहब्बत है। मैं उसकी जगह किसी को नहीं दे सकती। अरे माशाल्लाह, मेरी बेटी कितनी प्यारी लग रही है। अल्लाह बुरी नजर से बचाए, अल्लाह तुम्हें ढेरों खुशियां दे बेटा। और अब कोई दुख ना आए तुम्हारी जिंदगी में, तुम्हें तुम्हारा दामन हमेशा खुशियों से भरा रखे। तुम बैठो, मैं भी आती हूँ, नीचे मेहमान आए हैं। हाँ तो आप यहां दूल्हा बनने की तैयारी में लगे हैं। आपको अंदाजा भी है कि मेरे लिए एक एक लम्हा कितनी अजियत से गुजर रहा है। मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि आप इनकार कर दें, आपने इनकार ही नहीं किया। मैं गया था अब्बा जी के पास इनकार करने के लिए जी। तो उन्होंने आपकी बात सुनने से इनकार कर दिया, या आपने उनको अपनी बात बताने से?
तो भूल ही गई कि आप वो अशरफ हैं जिसको लोगों को मजबूरी में देखकर मजा आता है। ऐसी बात नहीं है, मैं गया था अब्बा जी के पास, बात करना चाह रहा था, लेकिन उन्होंने मेरी ये बात नहीं मानी है। लेकिन मैं निकाह के वक्त इनकार कर दूंगा, वादा करता हूं मैं आपसे। सच? आप कर देंगे ना इनकार? जी बिल्कुल सच कह रहा हूं मैं इनकार कर दूंगा, पर आपसे दरखास्त है आप इनकार मत कीजिएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि इनकार की वजह या जिम्मेदार उसका सब आपको ठहराए। मुझे किसी की फिक्र नहीं है, सिर्फ अपनी अम्मी की फिक्र है। मैं उन्हें दुख नहीं देना चाहती। दुख होगा उन्हें अगर आपने इनकार कर दिया तो। मैंने वो सब नहीं सोचना, बस आप इनकार कर दीजिएगा, और अगर आपने इनकार नहीं किया ना तो मैं जहर खा के मर जाऊंगी। मैं कोई झूठा दिलासा नहीं दे रहा हूं, वादा करता हूं। मुझे मालूम है कि मैं आपको कभी कोई खुशी नहीं दे सका हूं, लेकिन आप यकीन कीजिए मेरी बात का, निकाह के वक्त मैं इनकार कर दूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि मेरी वजह से आप मज़ीद दुखी हो। इफ्रा जुवेद वल मोहम्मद जुवेद भाकमार 1,00,000 रुपया सिक्का राजुल वक्त आपके निकाह में दिया जाता है, क्या आपको कबूल है? आप इनकार मत कीजिएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि इनकार की वजह यह जिम्मेदार उसका सब आपको ठहराए। सुन दिया ही ससी रात सुहाग दी, सो गई सेज बिछा के ऐसी कूक सुती सी ससी। हाँ आप कर देंगे ना इनकार, और अगर आपने इनकार नहीं किया तो मैं जहर खा के मर जाऊंगी। इफ्रा बिनते जुवेद अहमद भाकमार 1,00,000 रुपया सिक्का राजुल वक्त आपके निकाह में दी जाती है, आपको कबूल है? भाई इस निकाह से इनकार मत करना, कर ले निकाह। भाई इतने सालों की ख्वाहिश पूरी होने जा रही है और तुम इस वक्त ही नाराजगी से घबरा रहे हो। भाई मेरा यकीन करो, तुम निकाह के बाद इफ्रा भाभी को मना लोगे, तुम्हारी मोहब्बत उनकी सारी रंजिशों और नफरतों को दूर कर देगी। वक्त जो है ना जख्म भर देता है, अगर मेरा दरस भी साथ ना तो भी शादी करेगा। बस जरा साठ पकड़े, आपका काम हो गया, अब हमें अपना काम।
वादा करता हूँ मैं, निकाह के वक्त इनकार कर दूंगा। गलती हुई है मुझे, जब वादा किया था तो इनकार क्यों ना कर सका। मैं तो इनकार करने जा रहा था। सुन दिया ही ससी, फिर क्यों रात सुहाग दी, सो गई सेज बिछा के ऐसी कूक। इतना दुख बेयकीनी बेतबारी, उसकी शदीद नफरत क्या मैं लेके पुनून हाथ उठा के हो, क्या वो मेरी कोई बात मानेगी। ओ दा इश्क सी कच्चा, हाँ ताइयों सो गई अखियां लाके, रफीक ससी अज जूंदी हुंदी ता मैं पुछदा कौन बिठा के। मैं जानता हूं वो मुझे माफ नहीं करेगी। इफ्रा, इसरा यहां क्यों खड़ी हो बेटा? मेरा निकाह हो गया अम्मी, नहीं चाहती थी ना, अब आपको मुझसे क्या शिकायत है? इस कमरे तक पहुंच गई मैं, अब अगर मैं यहां खड़ी हुई हूं तो आपको क्या एतराज है? तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मुझे तुम्हारे इस हुलिये पर एतराज है। अच्छा, तो आप चाहती हैं कि मैं दुल्हनों की तरह सजूं? अम्मी मैं बेवा थी, मेरा जोर जबरदस्ती में निकाह हुआ, धोखा हुआ है मेरे साथ। क्या बकवास कर रही हो? कैसा धोखा? कबूल किया है तुमने? यह अलग बात है कि शायद दिल से उसे कबूल नहीं किया। इफ्रा याद रखो, अशरफ का ये निकाह तुम पर बल्कि मुझ पर भी एक एहसान है। उसके एहसान के एहसास से घुटन होती है मुझे, दहशत होती है मुझे इस कमरे से। क्यों फजूल की बातें कर रही हो? किसी ने सुन लिया तो? मुझे ये निकाह कबूल नहीं। इफ्रा बेटा फजूल की बातें बंद करो, चलो आओ, शाबाश आ जाओ, आके तैयार हो। मुझे नहीं तैयार होना, अशरफ के लिए तो मुझे बिल्कुल तैयार नहीं। मुझे उसका वो चेहरा नहीं भूलता अम्मी, मेरी और हमाद की खुशी को देखकर जलता था, मैं नहीं भूल सकती। बड़ी ना शुक्री हो तुम इफ्रा, सब कुछ तो लौटा दिया उसने तुम्हें, खोई हुई इज्जत प्यार, अब उसकी इज्जत का मान रखो बेटा। आज तुम सुहागन कहलाती हो, अशरफ की दुल्हन। नफरत है मुझे, नफरत है इस नाम से। इफ्रा मेरी एक बात याद रखना, जो औरत अपने शौहर को इज्जत नहीं देती ना, उसे ये माशरा भी कोई मकाम नहीं देता। आप मुझे शौहर की फरमाबरदारी पर लेक्चर ना दें, जो आप चाहती थी वो हो चुका है। मैं जिस तरह से अपनी जिंदगी जीना चाहती हूँ मुझे जीने दें, मैं ठीक हूं। मैं तुम्हें इस हाल में इस तरह से नहीं छोड़ सकती हूँ बेटा। चलो सब बातें छोड़ो और चल के तैयार हो,
अभी तुम्हारी सास आ जाएंगी, तुम्हें इस हुलिये में देखेंगी तो वो मुझ पर हंसेंगी। बेटा चलो मेरा बच्चा आ जाओ, आ जाओ, तैयार हो जाओ, जिद नहीं करते। इफ्रा मेरी जान आ जाओ। क्या बात है, आज बड़ा तरस आ रहा है मुझ पर। तरस नहीं, प्यार आ रहा है तुम पर। और तुम हो मेरी जरा भी परवाह नहीं। देखिए मैं चाह रहा था कि उस घर में पहला कदम आप रखें। आपको नहीं लगता मेरे कदमों से बदबख्ती की अलामत हो सकती है? अल्लाह ताला अशरफ से बहुत राजी है, देखे ना सब बुराइयां छोड़कर कितना अच्छा बन गया। नहीं, ये सब कुछ इफ्रा बेटी की वजह से है। अम्मा क्या बात है, अम्मा खोई खोई सी लग रही है जी। बातें करती है लड़की ने। क्या हुआ अम्मा, कुछ कहा है क्या माइफ्रा ने आपको? देखना खतीजा, अशरफ ने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया, क्यों उसे इतनी नफरत करती है? नई नवेली दुल्हन है, मैं खतीजा उसको कुछ नहीं कहना चाहती। तू जाके उसको समझाना कि अशरफ के बारे में ऐसी बातें ना किया करे। मैं नहीं चाहती उसकी वजह से घर का माहौल खराब हो। अम्मा इस बात का तो आपको भी पता है, इफ्रा तो इस निकाह के लिए तैयार ही नहीं थी। खतीजा को जबरदस्ती थोड़ी की है। देखना हमारे अशरफ के लिए तो ढेरों लड़की है, लेकिन अब वो इफ्रा को पसंद करता है, उसको चाहता है, तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? आपका वहम है माँ, वो ऐसी लड़की नहीं है। कैसा से समझ आ जाएगी उसे? खतीजा उसे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। देखना अशरफ की हमदर्दी और प्यार का ये नतीजा तो ना हो ना। उसे पता होना चाहिए कि अशरफ ने उससे शादी की है इसलिए कि वो हमारे हमाद की बेवा है, उसको सहारा देने के लिए। उसे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। ठीक है माँ, मैं जाती हूँ, समझाती हूँ उसे जाके। जा जा जाके उसको बता दे, जा तू बता उसको जाके। अच्छा अच्छा। ये नए घर के कागजात हैं, कल रात भी मैं आपको ये देना चाह रहा था लेकिन खैर आपके नाम लिया है ये मैंने। मुझे आपकी इन मेहरबानियों की जरूरत नहीं। आपको क्या लगता सब कुछ करके आप मेरे दिल में अपने लिए जगह बना ली? किसने? आपकी मोहब्बत झूठी है, इस मोहब्बत में दिया हुआ कोई भी तहफ्फुज़ मुझे कबूल नहीं। सुबह से देख रहा हूं मैं, कामों में लगी हो तुम, थोड़ा सा आराम कर लो यार। जवाद आराम का टाइम नहीं है, सुबह से पहले सारा सामान पैक करना है। देख रहा हूँ मैं, कहना नहीं मान रही हो तुम मेरा। क्या बात है, आज बड़ा तरस आ रहा है मुझ पर। तरस नहीं, प्यार आ रहा है तुम पर। और तुम हो मेरी जरा भी परवाह नहीं, कभी दो बोल प्यार के भी बोल दिया करो। कुछ सुन ले का, आराम से बोलो। अरे सुनता तो
सुन ले, अपनी बीवी से बात कर रहा हूँ। वैसे एक बात है यार, ये जो मेरी फूफी है ना, बड़ी जालिम है, हर वक्त तुमसे काम करवाती रहती है। बात करता हूँ फूफी अम्मा से। मैं खबरदार जो तुमने उनसे कोई बात की, मेरा घर है ये, मैं काम नहीं करूंगी तो और कौन करेगा? और तुम मेरी बीवी हो, तुम्हारा ख्याल रखना मेरा फर्ज है। अच्छा नहीं करता ना बात, इधर तो देखो, इधर तो देखो। ऐ मेरी आरज़ू रु 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 रु, मेरी दुनिया है तुझ में कहीं। मेरा निकाह हो गया अम्मी, दे जाती थी ना, अब आपको मुझसे क्या शिकायत है? इस कमरे तक पहुंच गई, मेरा जोर जबरदस्ती में निकाह, धोखा हुआ है मेरे साथ। उसके एहसान के एहसास से घुटन होती है मुझे, वहशत होती है मुझे इस कमरे से। मुझे ये निकाह कबूल नहीं। इफ्रा तैयार होगी ना? तो चले, सब नीचे इंतजार कर रहे हैं। हम कहाँ जा रहे? अशरफ भाई ने नया घर लिया है, हम सब वहीं जा रहे हैं। चलो ना। आप मुझे 2 मिनट दे, मैं भी आई। खदीजा जल्दी आ जाना, जा जाके देख जवाद गाड़ी लेके आया है, जल्दी जा, आ जा। अल्लाह का इतना करम, इतना अच्छा घर ले लिया अशरफ ने, इतने अच्छे इलाके में है। बस भाभी, अल्लाह ताला अशरफ से बहुत राजी है, देखे ना सब बुराइयां छोड़कर कितना अच्छा बन गया है। नहीं, ये सब कुछ इफ्रा बेटी की वजह से है, ये उसकी आने की वजह से। अशरफ ने उसके लिए लिया इतना अच्छा घर। ये भाभी, घर का सामान वगैरह कब शिफ्ट करेंगे? मेरा मतलब है अभी हम सिर्फ घर देखने के लिए जा रहे हैं या वहाँ रहने के लिए? नहीं नहीं नहीं, उस घर में सब कुछ है, यहाँ से कुछ ले जाने की जरूरत नहीं, यहाँ जो सामान है वो यहीं रहेगा। ये अशरफ के अब्बा का अबाई घर है ना, तो वो कभी कभी यहाँ आएंगे रहने के लिए। आ जा खतीजा। पता नहीं अब्बा कहाँ रह गए, मैं जरा देख के आती हूँ। सारों को आवाजें दो, बुलाओ, खुद क्यों नहीं आ जाते? आ जाए ना, वो इंतजार कर रहा है, जवाद बाहर खड़ा है गाड़ी लेके। ओए कसरा आ जाए। इब्रा बेटी घर की नवी मालकिन, उसे बगैर हम चले जाए, इंतजार कर रहे हैं, इसको मैं बुलाना हूँ। अशरफा, ओए अशरफा, पता नहीं क्यों नहीं आ रही। और क्या हो गया यार, किसी ने तुम सानू इंतजार कराना है? बस आ रहा हूँ अब्बा। देखिए सब नीचे आपका इंतजार कर रहे हैं। मैंने कहीं नहीं जाना। जिद छोड़ दीजिए, वो घर मैंने आपके नाम लिया है। और मैं आपका तोहफा उसी वक्त आपको लौटा चुकी हूँ। ओए जनाबा, खाला जान, इफ्रा तो बहुत खुश होगी ना, वो नए घर जा रही है। हाँ बेटा, इस महंगाई के ज़माने में अपना घर और अपनी छत होना बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह ताला तुम दोनों बहनों का भी घर बसा दे और तुम दोनों भी खुशी खुशी अपने घर जाओ। अब आपने दुआ दे दी है ना, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह, बस देखो बेटा, हर काम का एक वक्त मुकर्रर होता है। अल्लाह ताला ने जोड़े तो आसमानों पर बनाए, और तुम दोनों का भी तो कोई एक वक्त मुकर्रर हुआ होगा ना। जी काला जान। अच्छा इफ्रा अभी तक नीचे नहीं आई, मैं उसको देखकर आती हूँ कहाँ रह गई है। नहीं वो अशरफ ऊपर है, वो उसको लेकर आ रहा है। तुम जवाद को बता दो, बस हम आ रहे हैं सामान लेके। चलें ठीक है, सामान का बोल देती हूँ उसको। आप मुझे घर देना चाहते थे ना,
आप मुझे ये घर देते, मैं अम्मा के साथ यहाँ रह लूंगी। आप चले जाएं बस, छोड़ दे। अकेला नहीं छोड़ सकता मैं आपको, मजबूरी है मेरी। तो फिर ठीक है, आप मेरी भी बात सुन लो, मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगी। मैं डरती नहीं हूं आपसे। तबीयत देखा? मैंने इसको देखा नहीं, घर के अंदर भी नहीं देखा मैंने। पता नहीं क्या हो गया, कुछ उखड़ी उखड़ी रहती है, किसी से बातचीत नहीं करती। शायद क्योंकि ये सारा कुछ इतना जल्दी हुआ है, इसलिए पता नहीं, मुझे नहीं पता। वक्त गुजर के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। जवाब बाहर है ना? हाँ, क्या हुआ? अब तुम लोग जवाब के साथ चलो, थोड़ी देर लगेगी, इफ्रा को लेकर आता हूँ। देगा लेकिन बहुत ही देर ना जाना, समझ आई ना? हम जा रहे हैं, चल सब चल, चलो फिर। देखिए मैं चाह रहा था कि उस घर में पहला कदम आप रखें। क्यों? आपकी अम्मी तो मुझे बदकिस्मत समझती है। आपको नहीं लगता मेरे कदमों से बदबख्ती की अलामत हो सकती है? ये वहम है उनका। आप क्यों उनकी बातों को अपने दिल पे लगा रही हैं? मैं तो हरगिज़ ऐसा नहीं सोचता। बस कर दे ये ड्रामे मेरे सामने, बस कर। ये चाहते हैं ना कि दुनिया के सामने आप बहुत अच्छे लगे, लोग आपकी वाह-वाह करें। ये तोहफे, ये नायत हमाद की बेवा से निका सब खेल है, लेकिन मैं इन चीजों से झुकने नहीं वाली। इतनी बेहतर इतनी भर यकीन नहीं है आपको मुझ पर? नफरत है मुझे आपसे और कुछ भी नहीं। वो भी मंजूर है मुझे, लेकिन जाने से मना मत कीजिए। आपने मुझे कहा था ना कि आपने ये सब दुनिया को दिखाने के लिए किया। झूठ बोला था आपने, मुझे आपके साथ नहीं रहना कहीं भी नहीं। इसे चाहे आप मेरी मजबूरी समझिए, लेकिन अकेला नहीं छोड़ सकता मैं आपको। दिल पे जबर करके सही, लेकिन आपको साथ चलना है, कम से कम वहां तक जहां तक जरूरी है। नीचे सब तैयार है, आपका इंतजार है, तैयार होके आ जाइए। बस यही चाहता हूं मैं। घर पहुंच गए तुम लोग? अरे निकल आए नहीं? हम जरा बाहर घूमने निकले हैं, थोड़ी देर लग जाएगी पहुंचते हुए। ओ बड़ा फैलो, फिर तुम लोगों की उम्र है मेरी फरन की।
नहीं और कैसे बोलो तेरी माँ को बुला रहा हूँ, उसको फिक्र हो नहीं रही। खैरियत जानने के लिए तो तुम्हें फोन किया है। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो रही हूँ, इफ्रा फोन नहीं उठा रही है। तुम दोनों कहाँ हो? खाला हम अभी तक घर पर ही हैं। अब परेशान ना हो, मैं उसे मनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये लड़की बड़ी जिद्दी है, हर बार मुझे शर्मिंदा करवाती है। खाला वहाँ घर पर किसी को मत बताइएगा। तुम फिक्र मत करो, मैं यहाँ किसी से बात नहीं करूंगी, बस मैं आ रही हूँ। ओके, खुदा हाफिज। अशरफ बेटे ने लिया है जनाब, बहुत आलीशान कह रहे, बहुत माशाल्लाह। हाँ पता नहीं, फुली फर्निश्ड, आज ही सब कुछ पहले से मौजूद था। हाँ बिल्कुल, वो आ भी गया, ठीक है फिर आपसे बाद में बात। वालेकुम, आइए ये यार। बिल्कुल ठीक जी। क्या हाल है बेबे? भाई आपको बहुत बहुत मुबारक हो नया घर। शुक्रिया शुक्रिया, बहुत मुबारक। आप सबको मुबारक हो। मतलब कसर नहीं छोड़ी तेरे, कहने पैसे लाए ने, फिर पॉलिश का डैक करा ले। बस अल्लाह खैर सलामती से रखे हैं जी। आए आए, मैं आपको घर दिखाऊं। ऊपर का भी हिस्सा दिखाओ ना इन्हें। जी जी जी, चलो तू बैठना इधर। बात मैं तो सोच रहा था कि आप जब पहला कदम इस घर में रखेंगी, घर में आएंगी, तो आपका इस्तकबाल मैं फूलों के साथ करूंगा। लेकिन आपने तो कैसा लगा? मुबारक हो आपको अपना नया घर। क्या मैं इस कमरे में अकेले रह सकती हूँ? आप अकेली ही तो है इस कमरे में। मैं तो सिर्फ ये घर वालों को, बाहर वालों को ये दिखाने के लिए इस कमरे में आता हूं कि आप मेरी बीवी।